लास्ट स्टेज में पहुंच गई है बाखमुट की जंग। रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या है चीन की स्ट्रेटजी और अचानक क्यों परेशान हो गए चेचन कमांडर कादिरोव? रूस यूक्रेन की भीषण खबरों के लिए आप देखिए महायुद्ध टॉक। बाखमुट में कई दिनों से चल रही आर पार की जंग अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है। रूस की तरफ से लड़ रहे डीपीआई लड़ाकों का दावा है कि बाखमुट को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जल्द ही पूरे इलाके पर रूस का कब्जा होगा। सोलिडर के कुछ हिस्सों में अभी भी रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आर पार की जंग चल रही है। यूक्रेनी आर्मी ने ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से रूसी ठिकानों पर बारूद बरसाया। दावा किया जा रहा है कि हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है और रशियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन में जारी जंग के बीच चीन के कुछ अधिकारियों के बयान से पुतिन को बड़ा झटका लगा है। चीन के कई अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस युद्ध में सफल नहीं होगा। इतने घातक संघर्ष के बाद रूस की ताकत कम हो जाएगी, जिसका बुरा असर रूस की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अमेरिका से मिले स्विचेबल कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी फौज रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रही है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सैनिकों पर कहर बरपाया है। कामिकाजी ड्रोन से हमले का वीडियो भी सामने आया है। कई इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही यूक्रेनी आर्मी पर रूस ने जबरदस्त पलटवार किया है। रूसी फौज ने आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेनी आर्मी पर जबरदस्त अटैक किया। रूसी हमले में यूक्रेन को पोलैंड से मिले सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर तोपें नष्ट हो गई। बाखमुत में भारी भीषण जंग के बीच रूस ने कई फाइटर जेट उतार दिए हैं। रशियन एयरफोर्स सुखोई 25 से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से ग्राउंड पर लड़ रही यूक्रेनी फोर्स को पीछे हटना पड़ा। युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे चेचन लड़ाकों को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेनी सैनिकों ने चेचन ट्रूप कमांडर जमीद चलेव को जिंदा पकड़ लिया है। जमीद चेचन कमांडर से रमजान कादिरोव का बहुत ही करीबी माना जाता है। डोनबास में जारी भीषण जंग के बीच क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा बयान दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि डोनबास में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी रहेंगे। यूक्रेनी फौज को पूरा इलाका खाली करना ही होगा। रूस के साथ युद्ध में लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुके यूक्रेन के लिए जापान ने बड़ी मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए जापान $95 मिलियन की मदद देगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत यूक्रेन को ये मदद भेजी जा रही है।